अरे बाप रे बाप, अरे क्या आज आप खेलोगी मेरे साथ 10 का दम? अच्छा, तो ये शो आ रहा है 10 साल के बाद, तो स्टार्ट हम इस शो को करते हैं ये कह के कि नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत, एंड वेलकम टू 10 का दम। आज हम लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे, रेडी हो, 10 का दम शो एक नए अंदाज में। इतने सारे फोन्स, वाह, कैमरा तो है ही और फोन्स भी हैं। दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ सोनम्स वेडिंग। में ये शो शुरू हुआ था एंड आई थिंक दैट वाज माय टेलीविजन डेब्यू। और उस वक्त थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी एंड आई वाज रियली स्केयर्ड टू कम एंड शो माय ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑन 10 का दम। बट देन आई सेड कि चलो आ ही जाते हैं 10 का दम पर, टीवी पर आ ही जाते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि टीवी का जो एक पावर है, ये जो मीडियम है, आई थिंक इट्स द मोस्ट पावरफुल मीडियम दैट वी हैव, जिसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब क्या करें। सो आई वॉज रियली रियली स्कैर्ड एंड आई आस्क्ड माय फादर कि जाऊं ये करूं, क्योंकि इसके अंदर कॉमन मैन होगा, मैं हूँगा, और यू नो आई एम जस्ट रियली स्कैर्ड ऑफ बीइंग मी, ऑफ बीइंग हु आई एम। He said, then who do you want to be? This is what you are, this is who you are. Go and show the world who you are. Agar accept hota hai, to bahut acha. Agar nahi hota hai, to phir apne aap ko badlo. It made sense to me. I remember the first episode that I did of 10 Ka Dam. Oof. It was releasing. Itna tension tha ke, I don't know, ke parde pe to accept ho gaye hain. Ab, वो लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं, यू नो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स, यू नो सपोर्टिंग कास्ट, यू नो डायरेक्टर सेज वन मोर, यू हैव द बेस्ट ऑफ द DOPs एंड यू इन द कैरेक्टर। तो नेगेटिव कैरेक्टर खेल लो, पॉजिटिव कैरेक्टर खेल लो, वो पता है लोगों को एक पिक्चर है। बट जब टीवी पर जब आते हो एंड यू नो कि ये इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है, ये आदमी की खुद की सोच है, He's saying all these things himself. So that is when your personality comes out. Jaise ki aapne dekha hoga 10 ka dam, ya even the earlier show that I have done. It is who I am in real life. That is what I am on TV. So I like that format and I like it even more because kyunki logo ne mujhe accept kar liya the way I am, how I am. They got to know the real me. In fact, main Panvel se I remember कि मैं पनवेल में शूटिंग कर रहा था वॉन्टेड की एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एंड देन माई बॉडी शॉट्स आर कमिंग अप। तो मैं पनवेल से फार्म हाउस, सुबह फार्म से फार्म हाउस चलते हुए गया। आई हैव नेवर सीन दिस देयर। जब से मैंने PR किया, रिलीज हुई, तब से वो फार्म हाउस है हमारे पास। बट वन ओल्ड लेडी केम आउट एंड हे बगा 10 का दम। एंड देन आफ्टर दैट जो हमारी मोबाइल फ़ोन की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दोस 8 किलोमीटर्स ऑफ दैट रन, दैट होल विलेज, द स्मॉल स्मॉल विलेजेस ऑफ यू नो 20 houses, 25 houses, दे वर ऑल आउटसाइड एंड सेइंग 10 का दम 10 का दम 10 का दम। तो पहले तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद ये एहसास हुआ कि मैंने प्यार किया भूल गए, प्रेम भूल गए, समीर भूल गए, राजा भूल गए, हर चीज भूल गए, करण तक के भूल गए, करण अर्जुन, लेकिन उनको मेरा नाम याद हो गया और 10 का दम का नाम याद हो गया। सो देन आई रियलाइज द पावर ऑफ द मीडियम। तो जब मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ कि यू मस्ट डू TV, तो दे लुक अपॉन TV एज ये क्या TV करें यार, हमको ये गलत एडवाइस दे रहा है।
वैसे जब मैं खुद टीवी कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है टीवी करने में? सो आप लोगों से कुछ सवाल पूछे गए थे। अच्छा, एक वो जो पूछे जो गए थे आप से सवाल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस शो की मैं आपको खूबी बता देता हूँ कि इस शो के जो जरिए है ना, हमें ये जानने को मिल जाता है कि इंडिया की सोच कहाँ है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, क्या सोचती है हमारी इंडिया। और ये जो पूछे गए सवाल हैं, इनके जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इनके जो जवाब हैं, हमने एक सर्वे द्वारा, जो कि सोनी लिव एक सर्वे किया था हमने ऐप पर, उस पे आई थिंक दिस मस्ट बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्वेज दैट एनीवन हैज डन। लाखों की तादाद में लोगों ने उन सवालों का जवाब दिया है। और जो शो में जो आते हैं मेहमान, ऑब्वियसली खेलने के लिए, उनको अनुमान लगाना है कि भारतीयों ने क्या जवाब दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये शो वापस से आया है। एंड अराउंड दिस टाइम क्या बजे? 8:28, मतलब अभी के 2 मिनट बाद 8:30 बजे हर सोमवार मंगलवार सोनी पर, ओके लिसन ओनली ऑन सोनी, सोनी पर आएगा 10 का दम। यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द एक्साइट।